अब हम इनवर्टिब्रेट के जो स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं डाइजेस्टिव, उसमें लास्ट वन हम पढ़ेंगे जिस तो एग्जांपल है इंसेक्ट्स की, ठीक है। और इसमें हम इंसेक्ट में ग्रास ऊपर को पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को बताती है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है, इंटर सेलुलर डाइजेशन भी है, और दो ओपनिंग हैं यानी कि माउथ और एनस, ठीक है। ग्रास ऊपर का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोगों ने कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम FSC में पढ़ा हुआ है, ठीक है, वही पार्ट्स है बिल्कुल, ठीक है, चाहे कॉकरोच हो या ग्रास ऊपर हो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो है इसका जो है जो पार्ट्स है हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट जो इसका माउथ होता है, ठीक है, या जो इसको हम कहते हैं फोरगट, ठीक है, सबसे पहले फोरगट आ जाता है, जिसके अंदर माउथ आ जाता है, एसोफेगस आ जाता है, और क्रॉप और गिजर्ड आ जाता है, ठीक है। अब उसमें जो माउथ बकल कैविटी है उसके अंदर आपने इसके माउथ पार्ट्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैंडिबल और मैक्सिली जो है वो काइटिन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो के माउथ पार्ट्स हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जैसे हमारे टीथ हमारे बकल कैविटी में करते हैं, बिल्कुल उसी तरह फूड का ब्रेक डाउन होता है और मेस्टिकेशन होती है, ठीक है। तो मैंडिबल और मैक्सिबल जो है उसको मैक्सिले जो है ना उसको फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, इस ब्रेक डाउन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेस्टिकेशन, ठीक है। कोई एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, सिर्फ जो है उसका मैकेनिकल ब्रेक डाउन हो रहा है टीथ के जरिए, या इसमें मैक्सिला और मैंडिबल की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। मेस्टिकेशन होती है, ठीक है, जो माउथ में आता है, उसके बाद वो जब उसकी कुछ हद तक हो जाती है तो वो क्रॉप में जाएगा थ्रू द एसोफेगस। एसोफेगस का काम जस्ट क्या है, उसको उसने माउथ से पहुंचाना है किधर, क्रॉप में, ठीक है। अब उससे पहले जब ये माउथ के अंदर होता है तो एक तो मैंडिबल्स काम करते हैं, दूसरा जो उसमें उधर सलाइवरी ग्लैंड्स की ओपनिंग हो रही है, जो डायग्राम में आप सलाइवरी ग्लैंड्स देख रहे हैं, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो दो काम करते हैं, ठीक है, यानी कि दो चीजें सिक्रीट करते हैं, एक तो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, सलाइवा जो है वो जस्ट फूड को लुब्रिकेट करता है, यानी कि उसको गीला कर देता है, उसको जरा मूवमेंट उसकी आसान कर देता है, लुब्रिकेशन करता है, ठीक है, लुब्रिकेट करता है, ताकि जो है ना वो फूड जो है इजीली डाइजेस्टिव ट्रैक से पास हो सके, ठीक है। दूसरा काम सलाइवा के अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब एंजाइम होते होते अमाइलेज, अब अमाइलेज कौन सा एंजाइम है, जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है, ठीक है। तो माउथ से ही इसकी क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, फूड फिर उसके बाद माउथ से एसोफेगस होता है वो क्रॉप में चला जाता है, और यही जो डाइजेशन यानी कि अमाइलेज के थ्रू हो रही है वो क्रॉप में भी कंटिन्यू रहती है, और कुछ टाइम के लिए फूड जो है क्रॉप में स्टोर हो जाता है। तो एक्चुअली क्रॉप का क्या फंक्शन है कि उस फूड को थोड़ी देर के लिए उसमें स्टोर करता है क्रॉप के अंदर, ठीक है, और साथ ही जो है उसकी डाइजेशन भी होती है क्रॉप के अंदर, ठीक है। और वो जो डाइजेशन होती है वो क्रॉप जो है खुद कुछ एंजाइम्स नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये मिड गट रीजन है, ठीक है, उससे कुछ एंजाइम जो है वो बनते हैं और वो सिक्रीट हो जाते हैं किसमें, इनटू द क्रॉप, ठीक है। अब जो के अब वो एंजाइम कैसे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तीन तरह के एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, लाइपेस जो के लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे, और प्रोटीएज जो के प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। ये कहाँ जाते हैं, ये क्रॉप के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और वहां पर वो जाके उसकी डाइजेशन करते हैं, ठीक है। जब उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, साथ ही साथ जो है फूड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्रॉप से कहाँ जाना शुरू हो जाता है, स्टमक के अंदर जाता है, ठीक है। और वहां पर स्टमक में जो है स्लोली स्लोली जब मूव होता है तो स्टमक के अंदर उसकी क्या होती है, मजीद उसकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, और वो किसके थ्रू होती है, स्टमक की जो है वॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से मैकेनिकल उसकी जो है वो रिडक्शन होती है, यानी कि पार्टिकल्स मजीद छोटे होते जाते हैं, मैकेनिकल रिडक्शन होती है, ठीक है। और वहां पर भी न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स जो है स्टमक के अंदर, जो स्टमक है ट्यूबलर स्टमक है, इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ पार्टिकल तो स्टमक का क्या काम हो गया, मैकेनिकल डाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर कुछ लार्ज पार्टिकल्स क्रॉप से जो है वो एस्केप के स्टमक में आ गए हैं और वो अब मजीद छोटे हो नहीं पा रहे, तो क्या हो जाता है कि दोबारा स्टमक से जो है वो लार्ज पार्टिकल्स कहाँ चले जाते हैं, क्रॉप में चले जाते हैं, और मजीद उनकी वहां पर डाइजेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो मजीद क्रॉप से और डाइजेस्ट होकर आते हैं वो, और यहाँ जो स्टमक के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो हिपैटिक सिका के अंदर चले जाते हैं। हिपैटिक सिका जो है जस्ट ब्लाइंड सैक है और उसके अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, तो मजीद इसकी डाइजेशन होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन
अब कंप्लीट हो जाती है कहाँ पर, स्टमक में, हेपेटिक सिका में, क्रॉप में और माउथ कैविटी में। क्या हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। आगे जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है उसको हम पढ़ते हैं आगे। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कंप्लीट हो गई यानी कि जो कि कैविटीज के अंदर हो रही है, ठीक है, यानी कि कैविटी जो है यानी कि हेपेटिक सिका हो गए, क्रॉप हो गए, या माउथ कैविटी हो गई, या स्टमक हो गया, मिड गट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जो न्यूट्रेंट हो गए हैं स्मॉल हो गए, ठीक है, अब किस शक्ल में आ गए कि एब्जॉर्ब हो सकते हैं, यानी कि जो सेल्स है। अब आपको पता है कि हर चीज जो है सेल्स की बनी हुई है, ठीक है, तो लेकिन ये जो है ना इतने जो हिस्से हैं इनके सेल्स के पास नहीं है एबिलिटी के वो उनको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। फूड जो है डाइजेस्टेड फूड जो है यहाँ से स्टमक से होके कहाँ चला जाता है, इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन जो है वो इसको क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन अकर होती है इंटेस्टाइन में, और जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो आपको पता है कि उसके बाद क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब्स साइकिल, जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, जिससे कि फर्दर जो एटीपी एनिमल्स को मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, लेकिन फूड का जो न्यूट्रिएंट्स का फायदा क्या होता है कि एटीपी मिले, या वो न्यूट्रिएंट जो है बॉडी का हिस्सा बने। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो कहाँ होती है, इंटेस्टाइन में होती है, जब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब जो जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हो चुके वो एब्जॉर्ब हो गए, अब जो वापस भी गए क्रॉप में, फिर क्रॉप से भी आ गए, लेकिन फिर वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाते। वो क्या होते हैं, वो इंटेस्टाइन से पास होके कहाँ चले जाते हैं, रेक्टम में चले जाते हैं, ठीक है। रेक्टम है हाइंड गट का पार्ट, ठीक है। अब रेक्टम में क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं वो रेक्टम में चले जाते हैं, ठीक है। अब रेक्टम में दो काम होते हैं, जो एक तो थोड़े टाइम के लिए वो उसको स्टोर कर लेते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे जैसे डाइजेशन होती जाती है थोड़ी थोड़ी वेस्ट प्रोडक्ट आती रहती है, तो फौरन वो एक्सक्रीट आउट नहीं करता, उनको थोड़ी देर के लिए स्टोर रखता है। इस स्टोर के स्टोरेज के दौरान वाटर एंड आयन जो उस मटीरियल के अंदर मौजूद है, जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल के अंदर, वो वाटर एंड आयन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कहाँ पे, रेक्टम की जो सेल वॉल है, वो जो सेल है वो उसको लाइनिंग पे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और एक्स जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसकी क्या शक्ल बन जाती है, सॉलिड पैलेट। पैलेट क्या होते हैं आपको पता है, टुकड़े जो होते हैं ना उनको हम पैलेट कहते हैं, ठीक है। तो सॉलिड फीकल पैलेट यानी कि फीसिस के से वेस्ट को, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वेस्ट होता है उसको हम फीसिस कहते हैं। तो ये कहते हैं सॉलिड फीकल पैलेट, छोटी छोटी गोलियां सी होती है जो कि एक्सीट आउट हो जाती है किसके थ्रू, एनस। एनस जो है वो ओपनिंग है, जैसे माउथ है एक ओपनिंग और एनस दूसरी ओपनिंग है, ठीक है। अब ये जो सारा प्रोसेस आपने पढ़ा है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का, कि उसके अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और फूड जो है वो नेक्स्ट ऑर्गन में जाता है, उससे दूसरी जगह जाता है, पास ऑन होता है, ये सब जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है उनको तीन चीजें कंट्रोल कर रही है। एक तो है एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो हमारा एनिमल्स का हार्मोनल सिस्टम है, दूसरा जो है इसका नर्वस सिस्टम, और तीसरी चीज है प्रेजेंस ऑफ द फूड, ठीक है। अब इसको इसे जरा आपको यहाँ पर जो मलस्क, बायोवेल मलस्क के बारे में पढ़ा था उससे थोड़ा उन्होंने कंपेयर किया कि बायोवेल मलस्क में जो भी स्टेज आती है फीडिंग की या एक्सेसरी डाइजेशन की या इंट्रासेलुलर डाइजेशन की, वो उस पर डिपेंड नहीं करती कि फूड पहुंचा हुआ है या नहीं पहुंचा हुआ, वो किस पे डिपेंड करती है कि वो एनिमल इमर्स है पानी के अंदर डूबा हुआ है या बाहर है, यानी कि इमर्स है या इमर्स है, ठीक है। तो उसको जो डाइजेशन की स्टेजेस है उसको जो कंट्रोल करती है वो चीज़ें वो टाइडल इमर्जन या इमर्शन, यानी कि पानी के अंदर डूबा है या पानी से बाहर निकला हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम्स बन रहे हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रही है या इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रही है, ये तीन चीज तीन बातें इसको कंट्रोल करती है, वो क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड जो के जो और प्रेजेंस ऑफ द फूड, ये तीन बातें जो हैं वो कंट्रोल करती है कि एंजाइम की प्रोडक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और कौन से डाइजेस्टिव ट्रैक की जगह पर होनी चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये अक्सर बात आ जाती है कि जो वो है मलास्क में, बायोवेल मलास्क में जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम की जो तीन स्टेजेस हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, और जो डाइजेशन की स्टेजेस हैं आर्थ्रोपोड में, इंसेक्ट्स में, उसको कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई कि उसमें सिर्फ टाइडल इमर्शन एंड इमर्जन जो है ना, इमर्शन वो कंट्रोल करती है कि फीडिंग स्टेज हो, एक्स्ट्रा सेलुलर हो या इंट्रा सेलुलर स्टेज हो, लेकिन यहाँ पर जो है खुद एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और प्रेजेंस ऑफ द फूड इस चीज़ को।
कंट्रोल करते हैं।